सद हो तह कोई के छोरा बैठते रह जाते गैर चेर दल के मृत्यु कखनो भ जाए छे वही बात तो कह रहे हैं मैं उसको बुला रहा हूँ देखो पुत्री अगर तुम्हारे घर की से और रखना तो भी पसंद है बरदान मांगो आज तुम को मोहम्मदा बरदान दूंगा हे बाबा ते बाबा हमरा पूजा पाठ से पसंद छी ता हमरा साथ में सत करो ओकर बादे आज से बरदान मांगे बाबा क्या सत करूं हां बाबा सब के लग बड़ी खुशी की बात है हर बार
पुत्री हम सब बांधने के बाद के बचपन से आचे बांधने चाहिए भगवान परमात्मा क्या पर मेरे दादा गोपी चंद से क्यों ने पुत्री ये क्या कह रही हो वरदान ऐसे मांगो जो तुम्हें काम आवे के वरदान तो सब समझ करके मांगना चाहिए दूसरा वरदान मांगो नहीं बाबा जब चाहे तेरा राजा गोपी चंद से क्यों ने ठीक है एक लौता है चेला गोपी चंद तुम मांगनी कर रहे हो तो ठीक है जाओ एक न एक हो जाओ बस मिलेंगे लेकिन मैंने वचन दिया है कि जो भी है जो भी वो भोग कभी नहीं कर सकता है जो मिलेगा हमारे सम्मान के दिल में अभिलाषा है क्या आपने चेला चेतन दास के केवल चार दिन की छुट्टी दिया और हमारे से इंद्रासन लगा ची और इंद्रासन घुमा के पुनः वापस कर दे चेतन दास बहुत मजाकी है बहुत बेहूदा हरामी है उसे मत लेना नहीं बाबा हमारे सबके बहुत अभिलाषा है आओ के अवश्य चेला चेतन दास के चार दिन में वापस कर दे बाबा अब क्या करूं चेला चेतन दास चेतन दास मंगनी चाहिए मैं इंद्रासन ले जाएंगे और वहां से घुमा फिरा कर पुनः वापस कर देंगे क्या तुम जाओगे बाबा क्या करो जीवो और वो पांच परी है पांच परी पांच गोरे जीवो पांच परी है बाबा गो क्या है पांच गोरे में सब भी गो चेतन दास वो पांच गोरे में सकने की कोई बात नहीं पैदल तुमको ले जाएंगे अगर पैदल तुमको ले जाएंगे तब तुम रह सकोगे अपने भक्ति के बल से अपने तपस्या के बल से विमान से ले जाएगी ठीक है बाबा आप रसता